हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो अभिनिया व्लॉग्स इज बैक अगेन। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम फिर बात करने वाले हैं सेकंड हैंड कार के बारे में। सो आज मैं आपको बहुत सारी रेंज नहीं दिखाने वाला कार्स की, सिर्फ मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ पोर्श कार, जो कि एक प्रीमियम लग्जरी क्लास की कार है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आपका 80-90 लाख के अबव आपको मतलब पड़ती है। सो आज मेरे पास है एक सेकंड हैंड कार, पोर्श की कीन मॉडल, 2007 मॉडल है वो, और वो है आपका फर्स्ट ओनर। और अगर मैं टोटल उसके ड्राइव की बात करूं तो वो 85,000 किलोमीटर रन हुई है। सो वो कार अवेलेबल है आपके सेल के लिए। सो उस कार को मैं आपको आज प्रॉपर दिखाने वाला हूं। सो इस वीडियो में आपको सिर्फ वही कार दिखाऊंगा, और अंदर से दिखाऊंगा, बाहर से दिखाऊंगा, सो प्रॉपरली उसका ओवरव्यू कराऊंगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो का पूरा एंड तक देखिएगा, कहीं भी मिस मत कीजिएगा। सो अगर कोई भी डाउट्स वगैरह हो सो आप कॉमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हो। सो अगर आपने अभी तक अभिनय व्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स अभी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं जब कभी भी वीडियोस डालूं तो नोटिफिकेशन आपको जाए और ऐसी वीडियोस आपसे मिस ना हो। सो आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये है पोर्श केन 2007 मॉडल, और आप देख सकते हैं कि अभी भी ये कितना ज़्यादा क्लासी लुक दे रही है। सो इसके अंदर उस टाइम आते थे आपके प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, सो उस टाइम डीआरएल्स वगैरह नहीं आते थे, सो सिर्फ प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आते थे। और साथ में आप देख सकते हैं इसके अंदर हेडलाइट के नीचे हेडलाइट वॉशर भी है, जिससे कि जो आपकी हेडलाइट्स वगैरह वो क्लीन हो सके। सो आप देख सकते हैं दोनों साइड अवेलेबल है, और साथ में पोर्श का जो लोगो है वो इसकी जो लुक है वो और भी ज़्यादा एनहांस कर देता है। सो अगर साइड प्रोफाइल की मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं अभी भी कितना क्लासी लुक दे रही है, और साथ ही आप देख सकते हैं इसके अलॉयस। सो थोड़ा सा इसके जो टायर्स वगैरह हैं वो आप देख सकते हैं थोड़े मतलब घिस गए हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है। सो आप देख सकते हैं ये है आपका 2007 मॉडल, और ये अभी भी अवेलेबल है, ये सेल के लिए अवेलेबल है। सो अगर इसकी मैं कॉस्टिंग की बात करूं तो ये कॉस्ट करने वाली है 15 लाख रुपए की। तो आप देख सकते हैं इसके बैक प्रोफाइल से भी प्रॉपरली ये बहुत ही अच्छी अभी कंडीशन में है, और आप देख सकते हैं पीछे इसके दो एग्जॉस्ट आते थे उस टाइम। सो आप देख सकते हैं अभी भी ये बहुत ही अच्छी कंडीशन में, अगर किसी को भी परचेज़ करनी हो सो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डिटेल्स इसकी दे दूंगा बाकी। सो बैक में भी इसके अंदर आपका जो रियर टायर है वो आपको इसके अंदर मिलता है। तो अगर मैं और साइड्स प्रोफाइल की बात करूँ तो अभी भी इसकी जो लुक है वो कितनी ज़्यादा एलिगेंट लग रही है। ये थी इसकी चाबी, और आप देख सकते हैं अंदर से भी जो इसकी कंडीशन है वो अभी बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंडीशन के अंदर है। ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी भी कि ये इतने ज़्यादा टाइम चल चुकी है। एयरबैग्स की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको 8 एयरबैग्स मिलने वाले हैं, और आप देख सकते हैं इसके अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इसके अंदर आपको मिलता है, और साथ ही इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं, स्पोर्ट्स मोड है, बहुत सारे इसके अंदर फीचर्स हैं। सो अपने आप में ये एक नामी गाड़ी है, आप देख सकते हैं सब कुछ इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक मिलने वाला है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी इसके अंदर आपको आपके साथ मिलने वाला है। सो आप देख सकते हैं, सो स्टेयरिंग आप देख सकते हैं कितना ही ज़्यादा एलिगेंट इसका लुक दे रहा है। और अगर सीट्स की मैं बात करूँ तो सीट्स बहुत ही अच्छी कंफर्टेबल है, मैंने इसके अंदर बैठ कर देखा है, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप घर के अंदर एक सोफ़ा अच्छे खासे मसाज सोफे पे बैठे हुए हैं, देख सकते हैं पीछे से भी। साथ ही साथ इसके अंदर आपको मिलता है आपका पैनारोमिक सनरूफ भी इसके अंदर मिलता है, आप देख सकते हैं ये है आपका पैनारोमिक सनरूफ। सो पीछे तक ये पैनारोमिक सनरूफ में डिफरेंस होता है, वो आपको पीछे तक सनरूफ मिलता है। तो आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 3 सनरूफ है ये हमारी नॉर्मल कार्स के अकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। साथ ही आपको इसके अंदर मिलते हैं आपके जो सीट्स होती हैं उसको एडजस्ट के लिए आपके इसके अंदर बटन्स मिलते हैं, जिससे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो साइड्स आप देख सकते हैं जो गेट्स की साइड्स है वो कितनी ज़्यादा अभी भी अच्छी कंडीशन में अवेलेबल है। सो ओवरऑल अगर मैं कार की बात करूँ तो बहुत ही अच्छी ये कंडीशन में अभी भी अवेलेबल है। सो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है तो इसके अंदर क्लच नहीं है, और साथ ही साथ अगर बात करूँ इसके मीटर की तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ मुझे पोर्श की लगती है वो इसका स्टेयरिंग व्हील, मुझे लगता है वो बहुत ही एलिगेंट लुक इसके देता है, अलग ही लगता है कि एक क्लासी आप कार में बैठे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं इसका मीटर बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर फीचर्स आते हैं पोर्श के अंदर, सो नामी ब्रांड है सो फीचर्स तो होने लाजमी है ही, आप देख सकते हैं इसके अंदर। सो मेरे को तो इस कार में कोई भी कमी नहीं लगी, अगर किसी का बजट है और किसी को बहुत ही अच्छी मतलब क्लासी लुक चाहिए और क्लासी उसको बजट कार चाहिए तो ये 15 लाख रुपीज़ में बहुत ही अच्छी डील है। सो अगर किसी को भी ये कार लेनी हो तो मुझे कमेंट में वो
कम कमेंट कर सकता है और मैं बाकी उसको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा।